हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए, इधर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट साइड ऑफ क्यूब बी 7 सेंटीमीटर। तो ये तो है क्यूब, इसकी साइड दी हुई आपको 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कितना बड़ा स्फीयर, हेमिस्फीयर आ सकता है। तो आप छोटा सा भी एक स्फीयर रख सकते हैं, थोड़ा उससे बड़ा करके भी रख सकते हैं। ग्रेटेस्ट कितना आ सकता है इस साइड के बराबर, जितनी बड़ी इसकी साइड है उतना ही बड़ा डायमीटर हो सकता है। सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर दिस हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। मैं आपको बोलूंगा कि इसको 3.5 में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि फिर डेसिमल में आ जाएगा। अगर 7/2 है, कुछ फ्रैक्शन में उसको वैसे ही रखो, क्योंकि हमसे रेडियस थोड़ी ना पूछिए जो हम उसको सॉल्व करके बताएं। हम तो डायरेक्टली सरफेस एरिया बताएंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कैसे बताएंगे आप, सॉटिल नहीं भाई, सॉलिड देख लिया करो, ठीक है। अब देखो इधर, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इतनी बात समझ में आ गई भाई। आप इसको ऐसे फील कीजिए कि आपको इस पर पॉलिश करनी है, ये लकड़ी का बना हुआ है, इस पर पॉलिश करनी। तो एक तो ऊपर पॉलिश करेंगे आप, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड नहीं भाई, क्यूब। अब आप देखिए जरा, मैं इस टॉप वाले पोर्शन को दिखा रहा हूं, तो ये टॉप वाला पोर्शन है। ना ना, ऐसा ना दिखेगा भाई, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहां पर रखा हुआ है स्फीयर, हेमिस्फीयर सॉरी। लेकिन जब ये ऊपर रखा गया तो ये तो ढक गया है, इसका मतलब अब आप इसके ऊपर तो पॉलिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वाले पर तो करेंगे। यहां तो अभी भी करनी पड़ेगी आपको पॉलिश, ये जो कॉर्नर्स रह गए यहां तो अभी भी पॉलिश करेंगे आप। तो होगा क्या, मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाला। जब मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला तो एक्चुअली टॉप वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया, लेकिन हमें सिर्फ इतना पोर्शन कवर करना है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट में से ये सर्कल और माइनस कर दूं तब मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसका मतलब यह है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से आप क्या कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए या बेस ऑफ क्यूब हेमिस्फीयर लिख दीजिए, टीचर समझ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। अब आप जरा सही से देखिए, यहां पर 2πr² है, यहां पर 1πr² है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1πr² और 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करोगे तो 22/7, यहां पे 7/2, क्यों, क्योंकि रेडियस इसकी क्या है 7/2, यहां पर भी क्या आएगा 7/2 प्लस यहां पर क्या आएगा 6 × साइड क्या है, यहां पर देखिए 7 × 7, समझ में आ गई बात। इससे ये कैंसिल आउट 11 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां तो आ गया 77/2 प्लस 7 × 7 = 49,
49 इंटू 6, तो 6 9 54, 6 4 24 प्लस 29 हाँ जी ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 38.5 का डबल 76. हाँ ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या फिर ऑफ सॉलिड, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो पॉइंट फिर 12 कैरी 1 10 13 कैरी 1 3, तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्लीज नोट इट डाउन।